गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नाजीज एंड राइज ऑफ हिटलर। बस अब राइज ऑफ हिटलर के करीब ही है, लास्ट ये पैराग्राफ है। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे, तो क्या पाए थे पिछले क्लासेस का लेक्चर में कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो काफ़ी डीपली यूएस का इकोनॉमी और जर्मनी का इकोनॉमी को हर्ट किया, ठीक है। तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसनल इफेक्ट क्रिएट हुआ सोसाइटी पे, वो सारा देख लिए है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी है ना, फिर प्रोलेटराइजेशन, ये सब देख लिए। एंड नाउ अब हम लोग इस सारे जो भी अभी तक पढ़े थे उसे कंक्लूड करेंगे, है ना। तो ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, चलो ध्यान दो। पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रजाइल। पॉलिटिकली भी वीमर रिपब्लिक तो पहले ही देखे ही थे, ठीक है, कि सिटीजन्स वर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, सिटीजन्स सेटिस्फाइड नहीं थे। तो वही लिखा, पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रजाइल। द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स था, मीन्स की स्टार्टिंग से उसमें एक प्रॉब्लम थी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। जो कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन अनस्टेबल था, ठीक है, अनस्टेबल और वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, और तानाशाह के लिए वल्नरेबल था। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था वीमर रिपब्लिक का। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाई एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। और वीमर रिपब्लिक का ड्रॉबैक किया था ना, उसमें जो सीट्स एलोकेट किया गया था, है ना, प्रोपोर्शनली जो रिप्रेजेंटेशन एलोकेट किया गया था वो इस तरह से किया गया था ना कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ सकता। वहां गवर्नमेंट जब भी बनेगी तो कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, ऐसा वो क्रिएट ही किया हुआ था, ऐसा सीट्स का एलोकेशन ही किया हुआ था, है ना, लीडिंग टू रूल बाई कोलिजन, ठीक है, कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आएगी, वो कोलिजन में ही चलेगी। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48। फिर और एक डिफेक्ट क्या था, आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 क्या था, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है इमरजेंसी लगाने के लिए, ठीक है। भारत में भी इमरजेंसी का प्रावधान है ना, आर्टिकल 352, 356 एंड 360, ठीक है। तो वहां था प्रेसिडेंट के पास पावर था ये इमरजेंसी लगाने के लिए। तो अब इमरजेंसी में क्या होता, सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। जब इमरजेंसी इम्पोज होता है ना कंट्री पे, ठीक है, तो क्या होता है कि सिविल राइट्स आपका सस्पेंड हो जाता है। सिविल राइट्स मींस जो आपको फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इंडिया के टर्म में फंडामेंटल राइट्स, नॉट ओनली इंडिया बट इन टर्म ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, कि आपके लिए जो फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किया गया वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। एंड रूल बाय डिक्री, डिक्री मींस जो प्रेसिडेंट आदेश देते हैं उस समय उसके अनुसार काम होता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वीमर रिपब्लिक सो 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज टू 39 डेज। जब तक वीमर रिपब्लिक चला, ठीक है, जब तक वीमर रिपब्लिक चला तब तक वो वहां जो बदलाव होता रहा कैबिनेट का, वो 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बना, ठीक है, 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बना ऑन एवरेज टू 39 डेज पे, ठीक है। एंड अ लिबरल यूज इन आर्टिकल 48, और लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48 रहा, ऐसा नहीं रहा कि आर्टिकल 48 का मिसयूज हुआ और ये हुआ, लिबरल यूज रहा। येट द क्राइसिस, फिर भी येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, लेकिन फिर भी क्राइसिस ये मैनेज नहीं हो सका। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, और पीपल को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से विश्वास उड़ गया कि भाई ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रहा, ठीक है। नाउ आ गए हिटलर्स के पास, हिटलर्स राइज टू पावर। अब अभी तक का लेक्चर में यहां तक हम लोग क्या सीखे, यहां तक हम लोग देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, और यही सब इफेक्ट एक माहौल बनाकर दिया हिटलर का राइज के लिए। यही सब फैक्टर जो था रिस्पॉन्सिबल था हिटलर का पावर में आने के लिए। तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था हिटलर का पावर में आने के लिए, बट हिटलर कैसे कैसे आया पावर में, ठीक है,
हिटलर कैसे कैसे पावर में आया, उसका जिंदगी का जो सफर था, ठीक है, एक टॉप क्लास का टॉप लेवल पर आने से पहले उसका, पहले उसका जिंदगी किस तरह से स्टार्ट हुआ वो समझना जरूरी है ना। उसका जिंदगी किस तरह स्टार्ट हुआ, क्या क्या संघर्ष किया, और इतना वो कुछ एग्रेसिव, कुछ हद से ज्यादा एग्रेसिव क्यों था जर्मनी को सुप्रीम बनाने के लिए, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो अब हम लोगों का इस चैप्टर का सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है नाजीज्म के बाद, राइज ऑफ हिटलर, ठीक है, हिटलर्स राइज टू पावर। सो लेट्स स्टार्ट, सॉरी, नाउ द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर्स का पावर का आने में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये उस समय का सोसाइटी का, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी खुद। बोर्न इन 1889, हिटलर बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, गरीबी में अपना समय व्यतीत किया हिटलर, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो ये आर्मी में इनरोल्ड हो गया। एक्ट एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, और जिस फ्रंट पे भी युद्ध चल रहा था, मतलब जहां पे भी युद्ध चल रहा था वो मैसेंजर का काम कर रहा था। बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और बहुत सारा ब्रेवरी मेडल्स जीता। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। देखो था क्या, ये एक भाई पहली बात तो ये फौज में था और जंग हार गया, तो उसका तो गुस्सा था इसका जहन में, और साथ में वर्साइलिस ट्रीटी जो हुआ इतना मतलब ह्यूमिलिएटिंग जर्मनी के लिए, ठीक है, उससे और इसमें गुस्सा बढ़ा दिया, है ना। इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर ये क्या हुआ, 1919 में एक पार्टी ज्वाइन किया, छोटा सा पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। देन ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर क्या हुआ, आस्ते आस्ते ये पार्टी को कंट्रोल किया, है ना, ठीक है, और फिर रिनेम किया। देन व्हाट वाज न्यू नेम, क्या नया नाम था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ओके। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और यही पार्टी आगे चलकर कुछ समय के बाद नाजी पार्टी का नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये एनटीएसी का अगर एग्जाम दोगे कभी तुम लोग, ठीक है, तो एनटीएसी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता कि नाजी पार्टी वाज ऑल्सो नोन बाई, तो ऑप्शन टिक क्या लगेगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, है ना, ठीक है। तो लेट्स अगेन मूव फॉर टॉपिक। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावारिया, ठीक है, 1923 में हिटलर प्लान किया, ठीक है, कि बावारिया को सीज करेंगे, ठीक है, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। बर्लिन में जो था, ठीक है, बावारिया, तो बर्लिन की ओर चल दिया और उसे कैप्चर कर लिया, ठीक है। ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड, ठीक है, ही फेल्ड, वो बर्लिन की ओर गया, ठीक है, कंट्रोल क्या करना था उसको, बावारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, ठीक है। ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर पियर्सन एंड लेटर रिलीज्ड। वो फेल रहा अपना इस प्लान में, ठीक है, कि बवारिया को सीज करे ये सब। तो क्या हुआ कि इसे अरेस्ट कर लिया गया था उस समय, ठीक है, और फिर इसे सजा भी दिया गया और फिर छोड़ दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। 1930s तक इसका कुछ सपोर्ट ही नहीं था, पॉपुलर सपोर्ट, ठीक है, बस इसी तरह चल रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन डेट नाजीज्म बिकेम अ मास मूवमेंट।
अब बात आती है, इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के समय में, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के समय में नाजीज्म जो है एक बड़ा मास मूवमेंट का रूप लिया। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड, बिजनेसेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन्ड विथ डिस्टिट्यूशंस। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रीड होप फॉर बेटर फ्यूचर। और जो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था उस समय, ठीक है, यहाँ नाजीज को सक्सेस मिला अपना प्रोपेगेंडा चलाने में। अब सारे को लग रहा था, उम्मीद किस पे था, कि नाजी कुछ बेटर फ्यूचर कर सकता है, ठीक है। इन 1928 द नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट इन रीस्टेक द जर्मन पार्लियामेंट, ठीक है। जब इलेक्शन हुआ 1928 में, तो नाजी को बस 2.6% से भी ज्यादा वोट नहीं मिला रीस्टेक में, ठीक है, रीस्टेक जो जर्मन पार्लियामेंट है, ठीक है। बाई 1932 इट हैड बिकम अ लार्ज पार्टी विथ 37% वोट्स। और 1928 में नहीं मिला, ठीक है, मात्र 2.6, और 1932 में 37% वोट लिया है ये, ठीक है। हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन नूरेमबर्ग 1938, ये देखो उसका समर्थन में, ये देखो उसका समर्थन। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, ठीक है, हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, उसका जो पैशन था, ठीक है, और उसका जो बोलने का तरीका था ना, पब्लिक में एक आग पैदा कर देता था, ठीक है, वर्ड मूव पीपल। ही प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, अनडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सालिस ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। अब इसका क्या एम्बिशन हो गया कि ये क्या किया है कि स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का सपना देखा है, साथ में जो इनजस्टिस हुआ वर्सालिस ट्रीटी में, जो इतना हैवी वार बर्डन डाला गया था, क्योंकि जो वर्सालिस ट्रीटी था उससे बहुत ही हताश हो गया था ना हिटलर अर्ली फेज में जब वो आर्मी में था, ठीक है, तो ये सब इशू को बोला कि सोल्व करेंगे और फिर से जर्मनी का पुराना डिग्निटी रिस्टोर करेंगे, ठीक है। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, यूथ के लिए भी बोला, क्या बोला कि नौकरी प्रोमिस किया और साथ में बेटर फ्यूचर के लिए प्रोमिस किया। ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। और फिर ये क्या प्रॉमिस किया कि जितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, बाहर का जो पावर जर्मनी को इफेक्ट कर रहा, वो सारे पावर को, सारे फॉरेन मतलब एक्सटर्नल अफेयर इशू जितना है, ठीक है, उसे सॉल्व करेगा और ये सॉवरेन काम करेगा, ठीक है, कि कोई भी बाहरी देश का पॉलिसी जर्मनी को मैनिपुलेट ना करे, ठीक है। He devised a new style of politics. He understood the significance of ritual and spectacle in mass mobilization. ठीक है, वो समझ गया कि rituals, ठीक है, significance of rituals and spectacles in mass mobilization. समझ गया कि ये politics को कैसे control करना है. Nazis held massive rallies. एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टील अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। अब क्या होता था, मास डेमोन्स्ट्रेशन करने से ये अपने आप में क्या होता था ना, एक फीलिंग सिटीजन्स को भी रहता है कि मेरा सपोर्ट मेरा लीडर को है और मेरा लीडर मेरे लिए कुछ करेगा, ठीक है, और लीडर उसको एड्रेस करता उस भीड़ को, तो इस तरह से क्या होता ना कि ये एक एक्साइटमेंट डाला जाता है पीपल में इस तरह से, ठीक है। A red banners with the swastika, the Nazi salute and the
ritualized rounds of applauses after the speeches were all part of the spectacle of power. ठीक है, अब देखो रिचुअल्स स्टार्ट कर दिया है ना, रिचुअल्स मतलब कि कुछ परंपरागत चीज जो है उसे यूज कर रहा है ये. ठीक है, कि रेड बैनर विथ स्वास्तिका, स्वास्तिक जो बनाते हैं ना स्वास्तिक, ठीक है ये वाला, तो ये अपना फ्लैग पे वो बनाता था. ठीक है, द नाजी सैल्यूट, एक नाजी सैल्यूट था, एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लाउज आफ्टर द स्पीच वेयर ऑल पार्टीज टू पावर, और एक रिचुअल साउंड में सब कोई अपना स्पीच एंड करता था. नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल्ली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा. ठीक है, अब नाजी का जो प्रोपेगेंडा था, नाजी पार्टी का, ठीक है, इम्प्लॉयमेंट, फिर से अपना पुराना डिग्निटी रिस्टोर करना, ये हिटलर को मसीहा टाइप का रिप्रेजेंट करने लगा है ना, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस. इट इज एन इमेज डेट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन सेटल्ड एंड हु वेयर लिविंग इन टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. और पब्लिक को एक नया इंस्पिरेशन मिला, ठीक है, और साथ में पब्लिक को यह भी लगा, सिटीजन्स ऑफ जर्मनी, कि अब हमारा सारा जो समस्याएं हैं ये सॉल्व होगा. ठीक है, इतना हिटलर विश्वास सबका जीत लिया था और हिटलर पे सबको विश्वास था. ठीक है, एंड नाउ ये हिटलर का बैकग्राउंड देख लिए, किस तरह इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोसाइटल इफेक्ट को वो सब का इशू को एक अपना प्रोपेगेंडा बनाते हुए आगे निकला. ठीक है, और आगे का जर्नी अभी पढ़ेंगे हम लोग. तो अब आगे का जर्नी क्या पढ़ना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, इसे आप रिवाइज कीजिए बढ़िया से. तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर.